हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ सूजी से बने हुए हेल्दी चीज़ अप्पे की रेसिपी, जो मैंने बहुत सारे सब्जियाँ यूज़ करके बनाई है, जो आप सुबह शाम को नाश्ता के हिसाब से बना सकते हैं, हस्बैंड को लंच बॉक्स, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए बनाते हैं हेल्दी चीज़ अप्पे। तो इसके लिए मैंने इधर लिया है एक बाउल में 1.5 कप सूजी। अब सूजी में मैंने ऐड किया है 1 कप दही। आप रूम टेम्परेचर का ही दही लीजिएगा। अब दही और सूजी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा मिक्सचर ऐसे ठीक हो गया है। अब हम यहाँ ऐड किए हैं 1/2 कप पानी। आप शुरू में थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड कीजिएगा। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से हिलाएंगे। अभी देखिए, हमारा मिक्सचर इस कंसिस्टेंसी में आया है, तो हमें अभी और इसे थोड़ा पानी देके और पतला करना पड़ेगा। तो हम इसमें ऐड करेंगे और 1/2 कप पानी। ये देखिए, अब हमारा अप्पे मिक्सचर का कंसिस्टेंसी एकदम बराबर बन गया है। तो मैंने यहाँ ऐड किया है 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी। तो आप भी शुरू में थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड कीजिएगा इस कंसिस्टेंसी के लिए। अब हम इस मिक्सचर को आधी से 1 घंटा के लिए ढक के रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। अब मैंने यहाँ लिया है 1 ऑनियन, 3/4 कैप्सिकम, 1/2 बीटरूट, 3/4 कैरेट और 8 से 10 पीसेस बीन्स के। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा सब्जियां ले सकते हैं। जितना ज़्यादा सब्जियां लेंगे आपके अप्पे उतने ज़्यादा हेल्दी होंगे और बच्चों को भी अप्पे में हिडन तरीके से सब्जियां मिल जाएगी। अब यहाँ इस चॉपर की मदद से मैं ऑनियन, बीटरूट और कैरेट को चॉप कर लूँगी। ये देखिए, सब्जियों को मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है और बीन्स और कैप्सिकम को बारीक बारीक तरीके से काट लिया है। अब आफ्टर 1 आवर हम मिक्सचर को स्पून से अच्छे से हिलाएंगे। ये फॉर्मेंट अच्छे से हो चुका है, लेकिन थोड़ा थिक है, तो अब इसमें धीरे धीरे करके हम पानी ऐड करेंगे और उसी कंसिस्टेंसी में फिर से लेके आएंगे, ताकि हमारे अप्पे अच्छे से बने। तो मैंने यहाँ ऐड किया है 1/2 कप पानी। ये देखिए, अप्पे के लिए बैटर एकदम रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे सारे सब्जियाँ और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियों के साथ मिक्सचर को अच्छे से हिलाएंगे और ये देखिए, एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसका कलर भी बीटरूट के कारण कितना अच्छे से आ गया है। अब ऐड करेंगे सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। मैंने यहाँ रॉक सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। अब अच्छे से मिक्सचर को हिलाएंगे। अब मैंने यहाँ अप्पम पात्रा को कोकोनट ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब मैंने यहाँ लिया है 1/2 चीज़ ब्लॉक। ये देखिए, अब मैंने चीज़ को ग्रेट कर लिया है। अब चीज़ को बैटर में ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर में चीज़ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम बैटर में 1 पैकेट ओरिजिनल फ्लेवर इनो ऐड करेंगे। अगर आपके पास इनो नहीं हो तो 1/2 टीस्पून आप बेकिंग सोडा, जिसको कुकिंग सोडा भी बोलते हैं, वो ऐड कीजिएगा, क्योंकि हम इंस्टेंट अप्पे बना रहे हैं। और सोडा ऐड करने के बाद इसे ज़्यादा मत फेंटिएगा। अब फ्लेम ऑन करेंगे और अप्पम का पात्र हम रखेंगे तेल गर्म होने के लिए। तेल गर्म होते ही हम 1 स्पून करके बैटर डालेंगे। आप 1 स्पून से ज़्यादा मत डालिएगा, इससे अप्पे फूल के बाहर आ जाएंगे। ये देखिए, हम बैटर को अप्पम पात्र में ऐसे डाल देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसे ढक देंगे। आफ्टर 5 से 7 मिनट हम ऐसे स्पून से पलटेंगे। ऐसे करके स्पून से हम सबको पलट देंगे। ये देखिए, सब एक तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब दूसरी तरफ से हम सेकेंगे। मैंने यहाँ फिर से ऑयल ऐड नहीं किया ऊपर से। आप चाहे तो फिर से ऑयल ऊपर से ऐड कर सकते हैं। फिर से इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए ढकेंगे। और अब आफ्टर 5 से 7 मिनट ये देखिए, मैंने स्पून से फिर से पलटा है और देखिए, अब दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से सिक गया है। ये देखिए 15 मिनट में हेल्दी बहुत सारे सब्जी वाले चीज़ अप्पे रेडी हो गया है। ऐसे ही सेम प्रोसेस फॉलो करके बैटर से मैंने सारे अप्पे बना लिए हैं और मैंने हर बार तेल से ग्रीस नहीं किया है। मैंने यहाँ बहुत कम तेल यूज़ किया है। आप इस हेल्दी चीज़ अप्पे को धनिया चटनी, सॉस सबके साथ इंजॉय कर सकते हैं। देखिए बच्चे ये चीज़ अप्पे को कितना इंजॉय कर रहे हैं। मैंने अप्पे के सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और प्लीज़ ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस आप आगे भी ऐसे ही एंजॉय करें। थैंक यू। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में फिर।